Good morning, students. Welcome back to our online classes of science, standard 3rd. Students, we are studying new lesson, that is our body system. Students, in the previous period we have collected some information about our body system, and we have come to know that our body is made up of cells, and when a group of cells come together, they form a tissue, and when a group of tissue come together, they form an organ. When a number of organs they come together, they form an organ system, and when all the organ system they come together, organism is created. तो उससे क्या तैयार होता है? Organism. For example, we, the human being. So, I have already told you that if we want to build a wall, we build it with the help of the bricks. If we want to build a building, we build it with the help of the bricks. So as our body is made up of the cells. Okay? So, after that we have started studying or learning our body system. And in that, we have studied first the skeletal system. Skeletal system is made up of bones. And what is the use of this skeletal system? The skeletal systems give shape and balance our body. Okay? What is the use of the skeletal system? It gives shape and structure to our body, and it also balances our body with the help of the skeletal system. And we have also studied that there are 206 bones in our body, in human body. Okay? And after that we have seen the muscular system. As we know that muscles are attached to the bones. हमारे जो muscles होते हैं वो bones को attach होते हैं, and with the help of the muscles we can move our body parts accordingly. मतलब हमारे मसल्स के वजह से, हमारे जो मसल्स है वो बोन्स को अटैच होते हैं, और उसके वजह से हम हमारे बॉडी पार्ट्स को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और वो भी इजीली. वी कैन मूव अवर हैंड, वी कैन मूव अवर लेग्स, वी कैन टर्न अवर हेड आल्सो. ओके, सो ऑल दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द मस्क्यूलर सिस्टम्स, बिकॉज द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, so that we can move our body easily. And there are more than 500 muscles in our body. Now students, the third system that we are going to study today is nervous system. Okay, so now see here, I have written the three systems. First is the skeletal system. It is made up of bones. इससे बनी होती है वो bone से तैयार होती है. मस्कुलर सिस्टम, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? मसल्स. एंड थर्ड, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एंड नर्व्स. नर्वस सिस्टम जो है उसमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के? तो उसमें है ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड और नर्व्स. मतलब हमारे बॉडी के नर्व्स, ब्रेन, नर्व्स और स्पिनल कॉर्ड जो है, ये तीन पार्ट जो है ये नर्वस सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम वी कैन थिंक. ओके, बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम वी कैन थिंक एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. मतलब ये नर्वस सिस्टम ही है जिसकी वजह से हम सोचते हैं, किसी काम को करने से पहले हम सोचते हैं, और सोचने के बाद में वो काम इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब वो काम को पूरा करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इफ आई हैव गिवन यू वन पजल, और इफ मैथ्स टीचर हैज गिवन यू मैथ्स पजल, ओके, टू सॉल्व दैट पजल यू हैव टू थिंक लॉजिकली. ओके, तो
मैथ्स का पजल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना जरूरी है, तो तुमको सोचना जरूरी है। तो ये सोचने की जो प्रोसेस होती है तो वो किसके मदद से होती है, वो हमारे ब्रेन के मदद से होती है। वी थिंक और वी गिव इम्फसाइज ऑन थिंकिंग बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की वजह से ही हम सोचने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और सोचने के बाद में उस चीज़ के ऊपर हम सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर हम वो मैथ्स का पजल जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी पजल जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ अवर ब्रेन। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम वी कैन थिंक लॉजिकली एंड आफ्टर दैट आफ्टर थिंकिंग वी कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब जिस तरह से हमारे ब्रेन को मतलब सूझता है उस तरह से हम वो एक्ट करते जाते हैं, मतलब वो चीज हम करते जाते हैं। सो देन स्पिनल कॉर्ड एंड नर्व्स, सो ऑल दिस आर द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। लेकिन इसी के साथ में हमें सेंस ऑर्गन के बारे में भी पता होना जरूरी है। So students, do you know that there are 5 sense organs in our body? कौन से sense organs हैं? ENTES. In the short form, you can learn like this. Now see, I am talking about our sense organs. Okay? Sense organs. सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया, यू कैन रिमेंबर इट एज ENTES. नाउ सी, ई फॉर आईज, एन फॉर नोज, टी फॉर टंग, E for ears and S for skin. Now students, कभी कभी हमको गले में दर्द होता है, कभी कभी हमारी आंखों में दर्द होता है, कभी कभी हमको नोज में दर्द होता है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे मुझे ENT के पास जाना है। ENT के पास जाना है मतलब ENT डॉक्टर के पास में जाना है, जो आईज नोज और थ्रोट के स्पेशलिस्ट होते हैं। Okay, so for that you have to remember it as ENTES. ENTES मतलब E से होता है eyes, N से होता है nose, T से होता है tongue, E से होता है ears और S से होता है skin. तो अगर तुमको याद रखना है तो ये जो चीज है, ये जो solution मैंने तुमको बताया है, इस तरह से तुम याद रख सकते हो ENTES. Okay, so these are our 5 sense organs. We can now, you know, you better know the use of these 5 sense organs. With the help of the eyes you can see, with the help of the nose you can smell, with the help of the tongue you can taste, with the help of the ears you can hear, and with the help of the skin you can feel the different things. Okay, whether it is soft, whether it is hard, whether it is cold, whether it is hot. तो ये सब जो है, कोई चीज soft है, hard है, हाँ, कोई चीज गर्म है, अगर गर्म है तो अगर हम किसी गर्म चीज को अगर छूते हैं तो जल्दी से हम हमारा हाथ पीछे ले लेते हैं। क्यों? Because of the skin. Skin is our sense organ and it tells us that whether that thing is hot or cold. अगर हॉट है तो हम जब से हमारे सेंस ऑर्गन हमको बताते हैं, हमारी स्किन हमको बताती है कि ये चीज गर्म है, हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ द स्किन वी कैन फील द डिफरेंट थिंग्स लाइक वेदर इट इज हार्ड, वेदर इट इज स्मूथ और सॉफ्ट, वेदर इट इज कोल्ड और वेदर इट इज हॉट। सो दैट इज द वर्क ऑफ अवर 5 सेंस ऑर्गन्स। ओके, सो these sense organs convey the message to the brain. मतलब किसी भी चीज का जो message है वो convey करने का काम ये sense organ करते हैं, और फिर उसके बाद में
हमको हम उसके ऊपर विचार करते हैं एंड आफ्टर दैट नाउ स्टूडेंट्स डू यू नो दैट दिस सेंस ऑर्गन्स रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड कन्वे टू द ब्रेन मतलब ये जो सेंस ऑर्गन्स है ये उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ये डायरेक्टली किसको सेंड करते हैं ब्रेन को सेंड करते हैं एंड आफ्टर दैट वी एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट ओके सो दिस सेंस ऑर्गन्स कन्वेज मैसेज टू द ब्रेन एंड दिस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन दिस ऑल फाइव सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड इट दे आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द नेटवर्क ऑफ नर्व्स मतलब अलग अलग तरीके तरह के जो नर्व्स होते हैं हमारे बॉडी में उससे ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स हम उसको बोलेंगे नेटवर्क ऑफ नर्व्स मतलब पूरे तरह से हमारे बॉडी में एक तरह का नेटवर्क होता है नर्व्स का और ये सेंस ऑर्गन्स जो है ये इनको कुछ जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है दे रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड दे सेंड इट टू द ब्रेन एंड आफ्टर दैट थिंकिंग ओवर दैट वी एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट तो उसके वजह से हम मतलब हमारी जो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है वो हम कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंस ऑर्गन्स ओके नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द सर्क्यूलेटरी सिस्टम ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड Now students, the fourth system that we are going to study is the circulatory system. Now, circulatory system is composed of heart, blood and blood vessels. जैसे कि हमने देखा कि nervous system में जो main parts है वो क्या है? Brain, spinal cord and nerves. उसी तरह से ये circulatory system में main parts जो है वो है heart, blood and blood vessels. Blood vessels मतलब तो स्टूडेंट्स जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बनी होती है हार्ट से ब्लड से और ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है जो हमारे शरीर में अलग अलग तरह की नसें होती है हाँ अलग अलग तरह की जो नसें होती है उसको हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स ओके सो ये ब्लड वेसल्स क्या करती है तो ब्लड फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स मतलब जो हमारे शरीर में खून तैयार होता है जो ब्लड तैयार होता है तो वो कैरी करने का काम कौन करता है तो ये ब्लड वेसल्स करते हैं ओके इट कैरीज ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी और ये क्या काम करते हैं इट कैरीज ऑक्सीजन हमारे हार्ट में जो भी ऑक्सीजन तैयार होता है जनरेट होता है तो वो और डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड करने का काम ये ब्लड वेसल्स करते हैं हार्ट बीट्स 70-80 टाइम्स वन मिनट तो स्टूडेंट्स डू यू नो दैट अवर हार्ट बीट्स 70-80 टाइम्स इन अ मिनट मतलब एक एडल्ट हार्ट जो होता है तो एक मिनट में वो कितनी देर तक बीट करता है तो 72 से लेकर 80 टाइम्स तक ओके एक मिनट में हमको 70-80 टाइम्स हमारी हार्ट बीट सुनाई देती है और अगर इफ यू वांट टू नो दिस यू कैन ट्राई एट योर होम घर पे बैठे बैठे तुम मतलब वॉच में टाइम लगाकर तुम देख सकते हो कि तुम्हारे हार्ट बीट्स कितनी होती है तो एक एडल्ट हेल्दी हार्ट जो होता है वो 72 से 80 टाइम्स तक एक मिनट में बीट करता है सो स्टूडेंट्स have you understood about the circulatory system which are the main parts of the circulatory system heart blood and blood vessels these are the three main parts of the circulatory system hamare jo blood vessels hote hain usme blood flow hota hai matlab jo blood taiyar hota hai hamare body mein usko carry karne ka kaam kaun karta hai to ye blood vessels karte hain aur it also carries oxygen and digestive food to all parts of our body okay so this is the function of the circulatory system so I hope this is clear to you now let's move forward towards the respiratory system now students next system is the respiratory system whenever we are talking about the respiratory system this system is connected to breathing मतलब जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है ब्रीदिंग का ओके बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद रेस्पिरेटरी
main parts are nose, windpipe and lungs. इसमें कौन से parts important है? Nose, windpipe and lungs. Because when we breathe in, we are taking the outer air inside our lungs. Okay? With the help of the windpipe. Okay? मतलब हमारे with the help of the nose, we are taking the outer air into our lungs. Okay? And it passes through the windpipe. And when it passes through the it passes through the windpipe into our lungs. मतलब जब हम बाहर की जो हवा है वो हमारे lungs के अंदर लेते हैं तो वो किसके through लेते हैं? With the help of the nose. Okay? मतलब at that time what we are doing? We are doing breathing. मतलब हम क्या करते हैं? Breathing करते हैं. Breathing करते हैं मतलब जो बाहर की हवा है वो हमारे नोज के थ्रू हम हमारे लंग्स में लेते हैं. ओके, सो व्हेन वी टेक द आउटर एयर इनटू अवर लंग्स थ्रू विंड पाइप विद द हेल्प ऑफ नोज. नाउ लेट मी क्लियर यू स्टूडेंट्स. वी टेक द आउटर एयर इनटू अवर लंग्स विद द हेल्प ऑफ नोज. नाक की वजह से ही हम बाहर की हवा क्या करते हैं? हमारे लंग्स में लेते हैं. बट इट पासिस थ्रू द विंड पाइप एंड देन इट एंटर्स थ्रू योर लंग्स. ओके, तो फिर बाद में फिर वो विंड पाइप की वजह से हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम करने का काम जो करता है वो विंड पाइप करता है. ओके, सो व्हेन वी ब्रीथ इन द एयर गोज इनसाइड अवर बॉडी थ्रू द लंग्स एंड द एयर इज यूज टू ऑक्सीडाइज द फूड. ऑक्सीडाइज द फूड मतलब फूड में ऑक्सीजन ऐड करने का काम करते हैं. तो वो जो प्योर एयर होती है जो हम हमारे लंग्स में लेते हैं तो वो एयर क्या करती है? हमारे फूड को ऑक्सीडाइज करने का काम करती है. ओके, एंड रिलीज एनर्जी. और उसके बाद में उसकी वजह से क्या क्या तैयार होती है हमारे बॉडी में? एनर्जी तैयार होती है. ओके, एनर्जी रिलीज इज यूज फॉर डूइंग वेरियस बॉडी एक्टिविटीज. और यही एनर्जी है जो हम हमारे अलग अलग कामों को करने के लिए यूज करते हैं. सो इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स दैट व्हेन वी ब्रीथ इन वी आर टेकिंग द आउटर एयर इनटू अवर लंग्स एंड देन दिस एयर इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज द फूड एंड आफ्टर दैट एनर्जी इज रिलीज एंड दैट एनर्जी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू डू वेरियस एक्टिविटीज. मतलब जब भी हम बाहर की हवा अंदर लेते हैं हमारे लंग्स में तो फिर वो जो एयर है वो हवा जो है वो क्या करती है? हमारे हम जो खाना खाते हैं, ओके, जो खाना हमने खाया हुआ होता है तो वो फूड को ऑक्सीडाइज करने का काम मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड करने का काम करती है. और फिर ऑक्सीजन ऐड करने के बाद में हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी तैयार होती है और फिर ये एनर्जी जो है यही एनर्जी हम अलग अलग तरह के काम करने में यूज करते हैं. सो इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाई शुड वी ब्रीथ थ्रू अवर नोज ओनली. कभी कभी होता है ना, कभी कभी हमारे घर के फैमिली मेंबर्स, कुछ कुछ फैमिली मेंबर्स, ओल्ड एज मेंबर्स जो होते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो स्नोरिंग करते हैं. स्नोरिंग करते हैं मतलब नाक की जगह पर वो जो ब्रीदिंग है वो कहाँ से करते हैं? अपने मुंह से करते हैं. बट स्टूडेंट, दैट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ. ओके, तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड ब्रीथ थ्रू ओनली अवर नोज ओनली. मतलब हमको हमारे नाक से ही ब्रीदिंग करना क्यों जरूरी होता है? स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट इनसाइड अवर नोज देयर आर स्मॉल हेयर्स. ओके, हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं. और वो बाल क्या करते हैं? दे एक्ट एज अ फिल्टर. तो वो क्या करते हैं? दे व्हेन वी आर टेकिंग आउटर एयर इनसाइड अवर नोज, नाक के अंदर से हम वो हवा नाक के मदद से हम वो बाहर की हवा अंदर लेते हैं, तब क्या होता है? तो हमारे ये नाक के अंदर के छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो किसका काम करते हैं? फिल्टर का काम करते हैं. दे एक्ट एज अ फिल्टर, दे प्यूरिफाई द एयर. और ये हेयर्स की वजह से क्या होता है? तो बाहर के जो जर्म्स होते हैं या तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दिस हेयर्स ट्रैप दैट डस्ट पार्टिकल एंड वी गेट द प्योर एयर इनसाइड अवर लंग्स. तो ये जो स्मॉल हेयर्स क्या करते हैं? तो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं. दे ट्रैप
the germs and the dust particle, and so that we can get the filter air inside our lungs. Okay, so it acts as a filter, and these dust particles, they are trapped with the help of these small hairs, and we get the filter air. So it is very important. So when we breathe in through our nose, we get filter air, but in our mouth there are no hairs, or we take directly outer air inside our into our lungs with the help of the mouth. When at the time of snoring, जब हम स्नोर करते हैं, मतलब हम खर्राटे लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, बाहर की हवा डायरेक्टली हमारे माउथ से लंग्स के अंदर लेते हैं, तो फिर उसके वजह से क्या होता है, तो जो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये ट्रैप ना होते हुए डायरेक्टली हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं और वहाँ पर हमको इन्फेक्ट कर सकते हैं. So students, it is very much important that you have to breathe only through your nose. So is this clear to you? Now next system is the digestive system. So students, I would like to stop here, because if we study so many systems in one period only, then it may overlap into your memory, into your head. So मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, कौन से सिस्टम का क्या काम है ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा. सो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर, बट यू हैव टू कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग. सो डोंट फॉरगेट टू स्टडी, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन लर्निंग, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.